गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज फाइनली ये सारे सामान अभी शिफ्ट हो रहा है, तो अभी जस्ट गेट पे है पैकर्स एंड मूवर्स। तो लक्ष्मी पैकर्स एंड मूवर्स से हम ये बीआरटी तक ट्रांसफर कर रहे हैं और बाकी तो अगरवाल से करवाएंगे। उसका कोई रूम में हम बंद करके रखे हैं। ये सारी चीजें जो कि सब बेंगलोर जाएगा, तो ये हम अभी तो फिलहाल यहाँ पे स्टोर कर रहे हैं, बिकॉज हमारे पास इतना ज्यादा बर्तन नहीं है जिसके अंदर ये सारी चीजें डाले। और जितना पॉसिबल हुआ ये इस दोनों में, हाँ मैं और मासी दोनों मिलके कप वगैरह जितनी भी ग्लासेस आइटम है वो सारे चीजें इकट्ठा करके रखा है। What's your story? What's your sign? It's like we're twin flames in a different life. आज खाने पीने का क्या होगा कुछ पता नहीं, तो यहाँ पे अभी हम ब्रेकफास्ट करें मसाला ऑमलेट। और हाँ, आज आर्यन के एग्जाम है, आर्यन का आज कंप्यूटर साइंस एग्जाम है, तो वो तो एग्जाम दे रहे हैं। और मासी गए हैं वो वहाँ पे जो पैकर्स मूवर्स जो पैकिंग कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट बना लूँ। और इसके बाद आज लंच का क्या होगा सच बोलूँ तो कुछ पता नहीं, कुछ घर का खाने का ही कोई बंदोबस्त कर रही हूँ, बिकॉज घर में बहुत सारा वेज नॉन वेज सारे चीजें है। आई होप कि मासी और मैं दोनों मिलकर कुछ ना कुछ मैनेज तो कर ही लेंगे। और इतना बड़ा ऑमलेट मुझे फ्लिप करने में बहुत प्रॉब्लम होता है, तो मैं इसे बीच में से कट कर लेती हूँ। Connection lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. और ये हो रहा है हमारा चाय, चाय के पत्ती के साथ एक टी बैग भी डाल दिए है, बिकॉज इस चाय में ना बिल्कुल कलर नहीं आता। दार्जिलिंग की है ना, खुशबू बहुत अच्छा आता है पर कलर नहीं आता। देखो बिल्कुल हॉर्लिक्स जैसा दिख रहा है। शिफ्टिंग विफ्टिंग के टाइम में ऑमलेट वगैरह बहुत सही है ना, जल्दी जल्दी भी हो जाता है। और ये टेबल भी जाएगा, ये सारी चीजें भी ऐसे निकालना पड़ेगा। इस टेबल में, इस घर में हमारा लास्ट खाना। हाँ हाँ हाँ, लंच भी नहीं कर पाएंगे। लंच भी नहीं कर पाएंगे, ये ब्रेकफास्ट, ये चाय और ऑमलेट लास्ट खाना है इस घर में, इस टेबल में। फिर ये बैंगलोर भी नहीं जाएगा, ये जाएगा वापस। टीवी तो नहीं जाएगा, पर टीवी के नीचे का जो यूनिट है वो जाएगा, तो इसलिए टीवी मतलब बहुत ही रिस्क के साथ बाहर रखना पड़ा है। थोड़ा सा अगर हवा आता है तो यहाँ पे पूरा मतलब हिलने लगता है टीवी, इसी चीज का डर है। अदरवाइज वो अगर वॉल की तरफ हिल जाए ना तो बिल्कुल स्क्रैच आ जाएगा इसमें और टूट भी सकता है। तो इसी के साथ ही हमें सारी चीजें एडजस्ट करना पड़ रहा है। और यहाँ पे देखो किचन का हालत, मैं आपको वाइड एंगल में दिखा रही हूँ, आप देखो किचन का हालत। और मासी यहाँ पे खाना बनाएंगे, क्योंकि मैं इस तरफ देखती हूँ तो आपका पूरा खाना मासी बनाएंगे। आज होगा आमोदी माछ के झाल, इलिश माछ माथा दिए कोतुशा। और ये है आमोदी माछ, कितना खूबसूरत है देखो दिखने में। ऑस्कर का फिश और चारों तरफ स्पेशली वाइन ग्लास, जो कि मेरा सबसे सबसे फेवरेट क्रॉकरी में से आते हैं। तो ये ग्लासेस में अगर थोड़ा सा लग जाए ना तो ये टूट जाएगा, तो इसलिए ये यहाँ पे रखा गया है। और उसके बाद जब बैंगलोर के लिए पैकिंग होगा 1 तारीख को या तो 3 तारीख को, तब ये सारे अच्छे से पैकिंग हो जाएगा। अदरवाइज मैं और मासी हम दोनों मिलकर से पैक कर लेंगे, है ना मासी? और इस तरफ भी मेरे सारे अच्छे अच्छे बोल सेट, वो देखो। We're dreamers. एक्चुअली ये लोग सारे सामान ट्रक में लोड कर चुके हैं, पर अभी हम थोड़ा सा लंच कर लें, लंच करने के बाद ही
निकल जाएंगे उनके पीछे पीछे, और फिर वहाँ पे जाके सारे सामान उतरना है, फिर सारे सेट करना है, कौन सी चीज कहाँ पे रखना है, ये सारे काम करने के बाद फिर हम वापस आएंगे और आधा घंटे पढ़ाई भी है तो सिस्टर के वहाँ पे आर्यन को छोड़ भी देंगे, उसके बाद आर्यन को लेके एकदम से बात और गेट के यहाँ पे हो सकता है कि उन्हें रोके, तो इसलिए यहाँ पे हम खड़े हैं, वो लोग निकल जाए उसके पीछे पीछे हम जाएंगे। वो आ गया सामान हमारा। आर्यन, आर्यन सारे सामान आ चुका है और अभी होगा डाइनिंग टेबल का सेटिंग, तो डाइनिंग टेबल यहाँ पे सेट होगा और जो किचन में मेरा एक स्टोरेज था वो स्टोरेज सेट होगा एकदम दरवाजे के वहाँ पे। एक्चुअली घर बहुत छोटा पड़ रहा है सामान के हिसाब से। हो गया डाइनिंग टेबल्स भी सेटिंग। झाड़ू पोछा और क्या, सारे थर्माकोल के टुकड़े और सारी चीजें जब तक इसे क्लीन नहीं करूंगी मेरा मतलब रात को नींद भी नहीं आएगा। तो हो गया पूरा घर से, तो कल मुझे वासी पाना है आके पूरे मतलब झाड़ पोछ वाला जो काम है मतलब डस्टिंग वगैरह बहुत सारी चीजें करूंगी। तो चलिए दिखाते हैं आपके घर का सेटिंग। तो वो रहा किचन, डाइनिंग टेबल, यहाँ पे आएगा फ्रिज, तू का जो फ्रिज है ना वो हम यहाँ पे ला रहे हैं, वो स्टोरेज जो कि मेरा किचन में था। दीवान आ गया, ये मंदिर यहाँ पे सेट हो चुका है अच्छे से। ये आ गया हमारा बेड, आर्यन का बेड, टीवी यूनिट, लाइब्रेरी मिथुन का, और ये है कंप्यूटर टेबल, बेडरूम और एक बेडरूम। तो बेडरूम में ये सारी चीजें अभी तक हमने सेट किए, तो बेडरूम अभी तक सेट नहीं हुआ बिकॉज बैरकपुर से आएगा कॉट, तो उसके बाद ये अच्छे से बेडरूम सेट होगा। यहाँ पे आएगा हमारे शादी का जो अलमीरा है वो, बस ये सारी चीजें। ये है सिलेंडर जो लेके मैं अभी तू के घर जा रही हूँ, क्योंकि तू का जो फुल सिलेंडर है वो हम यहाँ पे लाने वाले हैं। तो हमारा घर का काम भी हो चुका है और अभी आर्यन का पढ़ाई भी हो चुका है, तो आर्यन को लेके अभी हम जा रहे हैं घर और वहां पे जाके ऑस्कर को मिलेंगे बहुत टाइम बाद। और कल जब हम क्लीनिंग वगैरह के लिए आएंगे ना, तो मासी बोल रहे मतलब मेरी मासी बोल रही है कि ऑस्कर को भी लेके आना, क्योंकि तुम लोगों का टाइम लगेगा तो ऑस्कर अकेला फील करेगा। तो मैंने सोचा बदमाश है, जब एक बार परमिशन मिला तो उसे लेके आ जाएंगे, क्योंकि मासी थोड़ा सा डरती है, तो बस इसी बात से। ओ नो, हमारा घर कैसा दिख रहा है देखो, पूरा चारों तरफ बस खाली खाली और खाली। बेबी बेबी, हमारा ये घर घर जैसा क्या दिख रहा है? नहीं, हम कल जाएंगे नए घर में, तो ये टीवी को ऐसे ही आज हम देखेंगे बिल्कुल नीचे रख के, क्योंकि हम नीचे ही बैठते हैं। और यहाँ पे अभी हम वो राग को बिछाएंगे और ये जो सारी चीजें हैं ये यहाँ से निकालेंगे और इसे भी यहाँ से निकालेंगे। तो चलिए गाइस, आज अभी इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, पर आज किचन का खबर बिल्कुल नहीं ली। क्या फ्रिज में कुछ है? फ्रिज में है दालेर बोरा, मतलब दाल का पकौड़ा जिसका कड़ी मैं अभी बनाऊंगी, और ये रहा सुबह का राइस, तो राइस के साथ खा लेंगे। तो ये होगा हमारा आज का डिनर। आई होप कि आपने एंजॉय किए होंगे, और ये जो सारे शिफ्टिंग की चीजें हैं इसे देख के
मोस्ट ऑफ द जो कमेंट है वो आते हैं आप बहुत हार्डवर्किंग हो, हार्डवर्किंग हो। अगर आपके जिंदगी में ऐसा होता, आप हार्डवर्किंग हो या ना हो मुझे नहीं पता, पर आप जरूर करते, क्योंकि कुछ चीजें हैं कि मजबूरी में आपको करना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल ऐसा है। तो चलिए आज इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, तो फिर आपसे मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। तो अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम्स। I think I like it how it is.